हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के लिए तीसरा T20 मैच में कप्तान शुभम गिल ने किया खतरनाक तीन बड़े बदलाव। टीम में इन तीन भूखे शेरों को प्लेइंग 11 में किया शामिल। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कप्तान शुभम गिल ने तीसरा T20 मैच में कौन सा तीन बड़े बदलाव कर दिए हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 मैचों के सीरीज में भारत पहला मैच हारने के बाद दूसरा T20 में जीतकर सीरीज पर बराबरी किया है। तो दोस्तों, भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के लिए बचे तीन मैचों में दो मैच जीतना होगा, तब जाकर भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज अपने नाम कर पाएगा। इसलिए कप्तान शुभम गिल तीसरा T20 मैच हर हाल में जीतने के लिए टीम में कर डाला तीन बड़े बदलाव। तो दोस्तों, आइए जल्दी से जान लेते हैं कि कौन सा तीन बड़े बदलाव कर दिए हैं। तो दोस्तों, हम लोग एक नजर डालते हैं तीसरा T20 मैच के लिए भारत के खतरनाक प्लेइंग 11 पर। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 में बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे कप्तान शुभम गिल। उसके साथ ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे अभिषेक शर्मा, जो कि पिछले T20 मैच में ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेला था। लेकिन दोस्तों, तीसरा T20 मैच में ओपनिंग बल्लेबाजी को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का तीसरा T20 मैच में खेलने का संभावना जताया जा रहा है। अगर यशस्वी जायसवाल तीसरा T20 मैच में खेलता है, तो फिर ओपनिंग जोड़ी शुभम गिल के साथ यशस्वी जायसवाल रहेंगे और अभिषेक शर्मा को 3 नंबर पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में ऋतुराज गायकवाड़ नजर आएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो इसने पिछले T20 मैच में ताबड़तोड़ पारी खेला था और ये अभी खतरनाक फॉर्म में चल रहा है। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में रिंकू सिंह नजर आएंगे। तो दोस्तों, रिंकू सिंह भी पिछले T20 मैच में खतरनाक तरीकों से पारी खेला था। इसने सिर्फ चौका और चौकों की बरसात कर दिया था। इसके बाद 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में ध्रुव जुरेल नजर आएंगे। ध्रुव जुरेल जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में विकेट कीपर का भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर में वॉशिंगटन सुंदर नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर भी खतरनाक फॉर्म में चल रहा है और विकेट भी निकाल रहा है। वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी ताबड़तर करता है। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर में रवि बिश्नोई नजर आएंगे। रवि बिश्नोई जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। रवि बिश्नोई अपना गुगली का इस्तेमाल करके जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को अच्छी तरह से फंसा भी रहे थे और इसकी फॉर्म की बात करें तो यह भी शानदार फॉर्म में चल रहा है। 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर में आवेश खान नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आवेश खान गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। फिर 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर में मुकेश कुमार नजर आएंगे। तो दोस्तों, मुकेश कुमार पहले ही ओवर में विकेट निकालने में माहिर हैं और जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को दबाव डालने में भी माहिर हैं। मुकेश कुमार की फॉर्म की बात करें तो यह भी अभी शानदार फॉर्म में चल रहा है। और 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर में खलील अहमद के जगह पर तुषार देशपांडे को मौका मिल सकता है, क्योंकि तुषार देशपांडे IPL 2024 में कमाल का प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों, यह रहा जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा T20 मैच के लिए भारत का खतरनाक प्लेइंग 11। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20 मैच में कौन जीत हासिल करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।